For more television gossips, hit the bell icon and never miss a video from Lahore Small Screen. यस नमस्कार, आप सबको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे घर पे अब की बार बाल गणेश आए हैं। आई एम श्योर आप सब लोग आपने गेस कर लिया होगा, क्योंकि मेरे घर पे छोटे से बाल हैं, इसीलिए हमने अब की बार हमारे घर पे बाल गणेश हम लेकर आए हैं। डेकोरेशन की बात करें तो आपने बहुत अच्छा इनको सजाया है, कैसे मतलब क्या प्लानिंग की थी इनको? वैसे तो गणपति बाप्पा को हर साल ही हम अच्छे से सजाते हैं, पर अगर आप नॉर्मली भी देखें रियल लाइफ में, बच्चों को आप जितना सजाएं वैसे वो बड़े क्यूट लगते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ बाल गणेश है, इसीलिए हमने ये सब ज्वेलरी का डेकोरेशन करवाया है। प्लस उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे ग्रीन्स हैं, फ्लावर्स हैं, वाटर है, उस तरफ वाटर भी है। वो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि अब की बार हमारे गणपति बाप्पा डेडिकेटेड है हमारे छोटे बच्चे को, रुद्रांश को, और हम ये चाहते हैं कि रुद्रांश जैसे वो ग्रो हो रहा है अपने ग्रोइंग एज से ही नेचर का पानी, वाटर एंड ग्रीनरी, प्लांट्स, फ्लावर्स और स्मोक, इन सब चीज़ों का वैल्यू करे, इन सब चीज़ों की वैल्यू करे। इस वजह से हमने अब की बार डेडिकेट किया है हमारा डेकोरेशन टू मदर नेचर। वेल गणपति बापा इको फ्रेंडली नहीं है, सॉरी नॉट दिस टाइम, बिकॉज बाल गणेश हमें इको फ्रेंडली में मिल नहीं रहे थे, बट इसीलिए वीव मेड अप फॉर इट। हमने डेकोरेशन उनका वीव मेड श्योर, हमने बहुत सारे ग्रीन्स एंड वाटर, इसीलिए हमने डेकोरेशन वीव मेड इट इको फ्रेंडली एंड एज आई सेड डेडिकेटेड टू मदर नेचर। सो वी वॉन्ट आर बेबी to realize the importance of mother nature. गणपति जी की बात करें तो आप मतलब क्या इम्पोर्टेंस है गणपति जी का आपकी लाइफ में, कैसे उनको अपना देखा? सब लोग ये जानते हैं कि गणपति बापा जो है उनको लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग्स बोला जाता है। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हम जब शूट करते हैं, हर दिन सुबह की शूट शुरू होने से पहले भी पहला रोल गणपति बापा का रोल होता है, और उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। गणपति बापा को विघ्नहर्ता बोला जाता है, कि कोई भी हर्डल्स हमारे काम में अगर आए तो हम पहले ही गणपति बापा की वंदना करते हैं कि बापा अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप हमें माफ़ कीजिए और हमारा काम बगैर किसी विघ्न के, बगैर किसी हर्डल के पूरा होने दीजिए। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से मेरे लिए गणपति बापा भी इम्पॉर्टेंट है। हर ट्यूज़डे मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हर ट्यूज़डे मैं सिद्धिविनायक मंदिर जाके पापा के दर्शन लूँ और उनका आशीर्वाद लूँ। सो गणपति पापा डेफिनेटली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ। पापा के कितने दिनों तक सेवा करेंगे? हर साल हमारे यहाँ पापा 5 दिन के लिए हम पापा को लेकर आते हैं, और ये प्रथा जो है मेरे फादर इन लॉ ने शुरू की थी हमारी फैमिली में। मोर देन 40 ईयर्स हो रहे हैं अब जो पापा हमारे घर पर आते हैं 5 दिनों के लिए। आप लोगों को शायद पता होगा कि विश जो है वो बताई नहीं जाती जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है। तो एग्जैक्टली द सेम वे विश तो हाँ मैंने ऑफकोर्स मांगी है। बहुत इंसान बहुत लालची होता है, मैं भी बहुत लालची हूँ, तो इस वजह से मैंने पापा से विश मांगी है, जो जैसे ही पूरी होगी मैं याद से आप सबको बताऊँगी कि ये मैंने हमारे बाल गणेश से विश मांगी थी। और जहाँ तक हम इको फ्रेंडली गणपति की बात कर रहे थे, बिकॉज एज आई सेड इस साल हम गणपति बापा हमारे बाल गणेश इको फ्रेंडली नहीं ला पाए हैं, इसीलिए लाइक एवरी ईयर हम हमारे गणपति बापा का विसर्जन जो करते हैं वो इको फ्रेंडली तरीके से करते हैं। हमारे एरिया में लोखंडवाला में एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है,
जिसमें हम बापा का विसर्जन करते हैं। तो बापा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिससे भी बनते हैं वो समुंदर में या नदी में जाके वहाँ के माहौल को ख़राब नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है जिसको बाद में डिस्कार्ड किया जाता है। तो वी मेक श्योर दैट वी डू नॉट हमारी वजह से या हमारी खुशी की वजह से नेचर को कुछ तकलीफ ना।